जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने पंजाब विधानसभा उपचुनाव के लिए चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की इस लिस्ट में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह, राजा बंडिंग की पत्नी अमृता बंडिंग का भी नाम शामिल है। अमृता बंडिंग को पंजाब की गिद्दड़बाह विधानसभा सीट से पार्टी ने टिकट दिया है। यह सीट राजा बंडिंग के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने गिद्दड़बाह विधानसभा सीट से पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को उतारा है। मनप्रीत बादल 2023 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए थे। और कांग्रेस पार्टी ने गुरदासपुर की डेरा बाबा नानक विधानसभा सीट से गुरदासपुर के कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा की पत्नी जतिंदर कौर को उम्मीदवार बनाया है। डेरा बाबा नानक सीट सुखजिंदर सिंह रंधावा के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। डेरा बाबा नानक सीट से बीजेपी ने रवि करण कहलो को टिकट दिया है। और कांग्रेस पार्टी ने बरनाला विधानसभा सीट से जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह ढिल्लो को उम्मीदवार बनाया है। कुलदीप सिंह ढिल्लो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इनकी उम्र 50 साल की है और ये ट्रांसपोर्टर व्यवसायी हैं और इनकी बसें पंजाब के कई अलग अलग रूटों पर चलती हैं। इनको राजनीति में इनके बड़े भाई स्वर्गीय सीरा ढिल्लो लेकर आए थे और ये आम आदमी पार्टी में जिला अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं और ये बरनाला विधानसभा सीट से सबसे मजबूत नेता माने जा रहे हैं। बरनाला सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लो को टिकट दिया है। और कांग्रेस पार्टी ने आरक्षित चब्बेबाल विधानसभा सीट से जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है और ये मशहूर एडवोकेट हैं और ये पहले बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं। इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये गुप्त रूप से करीब एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। इनके शामिल होने में पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा की अहम भूमिका रही थी। तो कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के चारों विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और बीजेपी पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। बीजेपी पार्टी ने चब्बेवाल विधानसभा सीट से अभी उम्मीदवार नहीं उतारा है। थैंक यू।